आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं,
इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।